ऑल राइट नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट से होता क्या था कि दोनों पार्टीज़ जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है दे एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप राइट सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बस सीधा मतलब यह है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो दोनों पार्टीज के बीच में था वो अब रिलेशनशिप नहीं रहा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप वन इट कम्स टू एन एंड इट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग यू you नो know, उस पर हो सकता है कि सिचुएशन अलग हैं कि बट रिजल्ट उसका वही रहेगा कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उससे हो जाएगा सो so, वो सिचुएशन अलग अलग हैं वही बेसिकली ये पूरा चैप्टर है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई परफॉर्मेंस बाई अग्रीमेंट बाई लैप्स ऑफ टाइम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये छः जो केसेज uh, हैं इनकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ठीक है तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं ओके <laughs> okay. ठीक है तो सबसे पहले देखो मीनिंग दे रखे बाई डिस्चार्ज वी मीन द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इन नेम ऑफ ने 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 द फॉलोइंग बेस जो मैंने सिक्स आपको केसेस बताए ठीक है पहले केस पे बढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस की सीधी सी बात है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप दोनों पार्टीज का एंड तब हो जाएगा जब दोनों पार्टीज ने जो करना था वो उन्होंने कर दिया राइट लाइक कॉन्ट्रैक्ट का करने का मतलब यही है ना कि किसी ने कुछ प्रॉमिस किया है करने का एंड दूसरे ने वो एक्सेप्ट किया है सो so, जो एक्चुअल काम करना था कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो हो गया तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उनका बीच का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो गया सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपलेस्ट जो मोस्ट यूजअल मोड रहता है वो यही है कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट विच वॉज सपोज टू बी डन राइट सो अब ये परफॉर्मेंस जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ठीक है दोनों पार्टीज ने जो एक्चुअल करना था वो कर दिया ये परफॉर्मेंस दो टाइप्स की हो सकती है या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकती है या एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इसको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं पढ़ेंगे क्या है देखो पहले देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो एक्चुअल ऑब्लिगेशन थी फुलफिलमेंट उसकी हो चुकी है ठीक है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन राइजिंग फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज दोनों पार्टीज थी दोनों ने जो जो भी काम अपना करना था वो कर लिया लाइक like, सिंपली अगर ए बी का एग्जाम्पल ले लो दो ए ने promise किया था मैं कार बेचूंगा बी ने promise किया था कि हाँ मैं बदले में दो लाख रुपए दूंगा सो so, दोनों ने वो काम कर लिया ए ने कार दे दी बी ने दो लाख रुपए दे दी तो दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों ने जो काम करना था वो कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हुआ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रेक्ट हो गया ठीक है समझ लिया ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस इसके अलावा एक आता है अटेपेड परफॉर्मेंस इसको आप बोलते हो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये होता है कि जैसे एक पार्टी ने कुछ काम जो करना था वो उसने किया लेकिन जिसने वो बेसिकली uh, उसके लिए ऑफर किया था वो अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस परफॉर्मेंस को मतलब जिसने काम करना था वो तो कर रहा है बट सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लाइक उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को लाइक उस तरीके से जो भी हो सकता है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा सामने वाला दिस इज कॉल्ड कि एक पार्टी ने तो परफॉर्म कर लिया लेकिन सामने वाले एक्सेप्ट नहीं किया बेसिकली इट इज परफॉर्मेंस

इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बाई दार्टीगेशन मेकिंग द टेंडर इज दब यहा है कि जब जिसने एक अटैम्प्ट कर लिया परफॉर्मेंस का बट सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं करा तो बेसिकली जिसने अटेम्प्ट किया उसने तो अपने तरफ से काम कर लिया ना जो उसने करना था सो so उसके बाद उसकी तरफ से वो टेंडर वाला जो है बेसिकलीट इज एक्सटिंग यानी कि अब से वो लाइबल नहीं है कि उसने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया अब आपने एक्सेप्ट नहीं किया राइट सो इट्स लाइक नाउ अब उसकी एक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का ना होने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है बिकॉज नाउ ही इज नॉट लाइबल उसने तो अपनी तरफ से अटैम्प्ट कर लिया सो so, <coughs> तो उसके पास जो भी हक है वो अभी भी कंटिन्यू होंगे बट जो उसकी ऑब्लगेशन थी अब वो उसकी खत्म हो चुकी है बिकॉज ही इज़ नो लॉन्गर लाइबल ठीक है एंड दिस इज़ अ वैलिड वो ठीक है कि इक्वल एट ठीक है वो टेंटा अमाउंट टू परफॉर्मेंस बोलते हैं कि यू नो इट इज़ इक्वलेंट टू परफॉर्मेंस ओनली कि परफॉर्मेंस होगी नहीं होगी दैट इज़ सिमिलर थिंग क्योंकि अटेम्प्ट तो कर लिया परफॉर्मेंस का बट ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज तब होती है जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं ठीक है एक होता है टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, एक होता है टेंडर ऑफ मनी टेंडर ऑफ मनी में ये चीज अप्लाई नहीं होती है ना टेंडर ऑफ मनी में ऐसा नहीं है कि हाँ अटेम्प्ट किया कि मान लो उसने बोला था कि यू नो पेमेंट करनी थी एंड आपने आ, आप उसके आगे ला रहे हो यू पी आई बट सामने वाला बोला नहीं मुझे कैश चाहिए तो आप बोलो नहीं मैंने तो टू परफॉर्मेंस कर लिया तो अब मेरा डेट खत्म हो जाएगा कि उसने एक्सेप्ट नहीं की उसकी गलती है नहीं ठीक है तो टेंडर ऑफ़ मनी में इट इज़ नॉट डेड टेंडर ऑफ़ मनी में डेप्ट डेट जो है वो बाद में भी इट इज़ यू आर लाइबल टू पे योर डेट ठीक है बट टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे मैंने बताया वो उसके यू नो ऑब्लिगेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अच्छा देखो यहाँ पे देर खे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर ठीक है सिमिलर चीज़ ही है कि एक टेंडर वैलिड कब होगा एक तो अनकंडीशनल होना चाहिए ना जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हम हर चीज़ की पढ़ते हैं ना कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उस पर कि तभी वो माना जाएगा कि हाँ आपने प्रॉपर परफॉर्मेंस की है परफॉर्मेंस बोलते हैं ना कि उसने अटैम्प्ट किया तो वो अटैम्प्ट शुड बी अनकंडीशनल प्रॉपर टाइम एंड स्पेस पे होना चाहिए टाइम एंड प्लेस प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि आप मान लो इस पर एग्जाम्पल आता है कि रेंट पे करना था आ, एंड उसने मान लो जो लैंड है वो किसी मैरिज पे है वो वहाँ उसे रेंट पकड़ा रहा है तो फिर वो वहाँ पे मना कर रहा है दैट इज वैलिड कि ठीक है आप मना कर सकते हो सो बिकॉज वहाँ पे सही जगह और टाइम देख के ही आप वहाँ पे जब अटैम्प्ट प्रॉपर माना जाता है आपका कि हाँ यू एन डेड योर अटैम्प्ट नाउ तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म सो so, अगर वो प्रॉपर टाइम पे नहीं किया है देन आपका वो टेंडर नहीं माना जाएगा ठीक है देन इट शुड बी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन ये भी एक होता है कि जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो वो प्रॉपर पूरा जो आपकी ऑब्लिगेशन है उसका होना चाहिए एंड देन द पर्सन इज़ मेकिंग द टेंडर मस्ट बी विलिंग टू परफॉर्म यानी कि उसकी खुद की वो मर्जी से अपना वो पूरा परफॉर्मेंस कर रहा है देन इन केस ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन कि वाले लो गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज का जैसे मैंने बताया ना तो वहाँ पे सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करे ठीक है अगर उससे फिर वो नहीं एक्सेप्ट करे देन वो अलग बात होती है देन इट शुड बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन कि जो प्रोमेसी है उसी को देनी है या फिर प्रोमेसी ने अगर कोई अपना ऑथराइज एजेंट बना रखे उसको भी आप दे सकते हो बट हाँ प्रॉपर ऑथराइज पर्सन को देना है तो ये सारे उसके फीचर्स होते हैं टेंडर ऑफ़ मनी का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था टेंडर ऑफ़ मनी के केस में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता वहाँ पे देर इज़ अ डिफरेंट केस जो जो हम फॉलो करते हैं ठीक है ठीक है तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओ सॉरी ये तो पढ़ लिया कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अटेम्प्टेड या एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों हो सकती है एंड उससे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बट ये जो परफॉर्मेंस है ये uh, कौन करेगा बेसिकली हु शुड परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट ये एक क्वेश्चन आता है uh, तो इसमें क्या लिखोगे तो इट बेंड्स अपॉन नेचर एंड सर्कमस्टेंस ये तो ऑब्वियसली है कि कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर रहा है बट बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो बताएंगे हम एक तो बाय द प्रोमिजर यानी कि uh, जिसने वो प्रॉमिस किया कि मैं करूँगा वही करेगा राइट right? सो so, अगर मान लो ए ने प्रमिस किया कि ना पेंटिंग का काम ए करेगा सो बाई दर भी हो सकता है वो, बाय दी प्रोमाइजर और हिज एजेंट की हो सकता है उसने अपना कोई एजेंट एम्प्लॉय कर रखा हो वो भी उसको कर सकता है दिस नो इशू या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है दिस द प्रोमाइजर कि जब तक वो परफॉर्में परफॉर्मेंस उसका एक्चुअल वाला करता उससे पहले अगर उसका डेथ हो जाता है देन उसके लीगल रिप्रजेंटेटिवस भी उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को कर सकते हैं देन देर इज़ बाय द थर्ड पर्सन ये किस केस में होता है यहाँ पे ध्यान रखो ये कुछ कुछ केसेस में होता है जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा होगा uh, मान लो ए और बी ठीक है ए ने बी को पचास हज़ार रुपये देने होते हैं इसके फिगर्स ही ले लो मैं ए ने बी को पचास हज़ार रुपये देने होते हैं बट सी बोलता है कि ये तो पता नहीं देना दे थे। मैं तेरे को चालीस हज़ार दे देता हूँ पूरे उसके सेटिस्फेक्शन में कि यू you नो know, मामला ख़त्म कर चालीस हज़ार मैं दे रहा हूँ सी के फ्रेंड ने बोला तो बेसिकली सी वो जो थर्ड पर्सन ही था ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो बट बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसके चालीस को तो अब यहाँ पे ये भी हो सकते कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना उसने फुल सेटिस्फेक्शन में ले लिया उसके उसकी तरफ से सो इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन होना चाहिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है बट हाँ ये भी है कि बाद में फिर बी यू नो सी ए को सू नहीं कर सकता कि वो दस हज़ार को वापस दे क्योंकि उसने उसकी फुल सेटिस्फेक्शन में ले लिया था उसमें पैसे एनी वेज द थिंग वॉज हु कैन परफॉर्म तो बेसिकली वो खुद करेगा या अपने एजेंट से होगा या उसके डेथ के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर थर्ड पर्स वो कुछ ही केसेज में होता है जो हमने देखा एक है हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ये देखो कि परफॉमेंस कर जो रहा है वो ठीक है लेकिन उस जो करवा रहा है वो परफॉर्मेंस वो कैन डिमांड कि तू हाँ वो परफॉर्मेंस कर सो so, यहाँ पे कोई केसेस नहीं है कि यू नो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है सिर्फ जो प्रोमिजी है वही डिमांड कर सकता है ठीक है कोई भी थर्ड पार्टी आके उससे किसी और को डिमांड नहीं कर सकती कि हाँ तूने उससे कॉन्ट्रैक्ट जो किया था पेंटिंग बनाने का मैं बोल रहा हूँ बना पेंटिंग तो ऐसे नहीं हो सकता ठीक है जो प्रोमिजी है वही डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस को हाँ ये ज़रूर है कि डेथ वाले के केस में कि मान लो प्रोमिजी का डेथ हो जाता है तो वहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए उसके दे कैन डिमांड द परफॉर्मेंस की वो आप जो परफॉर्मेंस आपने करनी थी वो कर लो सो so, uh, वो वाला केस अलग हो जाता है तो बेसिकली आप बस दो ही केस बनते हैं ठीक है अब ये आपका जो पहला पार्ट था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस वो कंप्लीट होता है इसके बाद जो आएगा विच इज़ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट Uh, यहाँ पे कंसेंट या एग्रीमेंट के थ्रू भी कई बार डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट होता है मतलब बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पे दो सेक्शन आते हैं सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 ठीक है सेक्शन 62 के अंडर तीन केसेस आते हैं नोवेशन ऑल्ट्रेशन और रेसीशन ठीक है सेक्शन 63 के अंडर दो केसेस आते हैं विच इज़ रेमिशन एंड वेवर ठीक है ये टोटल में पांच हो गए बेसिकली तीन सेक्शन 62 के और दो सेक्शन 63 के क्या है ये पांच पांच के पांच हम समझते हैं पहले एक करके पहला आता है आपका नोवेशन ये समझ लो देखो नोवेशन का मतलब जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल उसको सब्सटीट्यूट कर दिया किसी नए कॉन्ट्रैक्ट से ध्यान से समझो पहले वाला बिल्कुल ज़ीरो कर दिया एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ठीक है वो बना पिछले के लिए ही है ठीक है कि मतलब उसके डिस्चार्ज के लिए वैसा नहीं कुछ मतलब उसमें ऑल्ट्रेशन लाने की जगह बेसिकली बिल्कुल ही नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया ठीक है और ये दोनों पार्टीज के कंसेंट से होता है कि हाँ दोनों पार्टीज जब एग्री कर जाएं ये पूरे जो हम पांच केसेस पढ़ेंगे ना इसमें पांचों चीज़ें तभी होती है जब दोनों पार्टीज का कंसेंट होता है ठीक है ये सेक्शन है उसी के लिए सेक्शन सिक्सटी टू सिक्सटी दोनों तभी होते हैं जब म्यूचुअल कंसेंट होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना हम एक हेडिंग ही ये थी डिस्चार्ज बाई एग्रीमेंट सो नोवेशन का मतलब कि अभी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा एक नए कॉन्ट्रैक्ट से अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि नोवेशन के अंदर कभी कभी पार्टीज चेंज भी हो जाती है यानी कि पहले जो दो पार्टीज के जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए पार्टीज दो अलग हो गई मतलब हो सकता है एक वही हो पिछली वाली दूसरी वाली चेंज हो गई हो तो बेसिकली चेंज ऑफ पार्टीज अलाउड होता है नोवेशन के केस में इसके बाद हम जो ऑल्ट्रेशन करेंगे उसमें ध्यान रखना कि पार्टीज का यू नो चेंज अलाउड नहीं होता मतलब नोवेशन में हो भी सकता है कि पार्टीज चेंज हो सकता है ना हो बट uh, ऑल्ट्रेशन में ऐसा अलाउड नहीं है ऑल्ट्रेशन में पार्टीज चेंज नहीं होंगी उसमें बस ऑल्ट्रेसन का मतलब क्या है देखो जो ओरिजिनल आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ी बहुत बस मॉडिफिकेशनस करिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनको लेके बस कुछ मॉडिफिकेशन करिए उसी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कॉन्ट्रैक्ट वही है उसमें मॉडिफिकेशन करिए नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट ही वो वाला ख़त्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना था ठीक है तो ऑल्ट्रेशन और नोवेशन में डिफरेंस भी हम करेंगे आगे तो ये चीज ध्यान रखो जैसे इसमें बोला नोवेशन इज अ वाइडर टर्म देन ऑल्ट्रेशन ये क्यों है जैसे मैंने बताया नोवेशन में चेंज ऑफ पार्टीज अलाउड है डिफरेंस कर ही लेते हैं देखो नीचे देखो डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन ठीक है समझना इसको नोवेशन मीस सब्सिट्यूशन ऑल्ट्रेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ सम टर्म्स है ना नोवेशन में substitution की एक बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया चेंज ऑफ पार्टीज यहाँ क्या था अलाउड था यहाँ पे क्या है नॉट अलाउड मतलब बेसिकली ऑल्ट्रेशन में चेंज ऑफ पार्टीज नहीं होता ठीक है सेम पार्टीज के बीच में होता है वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स सेम ही हो बट हो सकता है अलग भी हो हो सकता है मतलब जैसे बोला ना नोवेशन में चेंज ऑफ पार्टीज भी हो सकता है तो हो सकता है कि पहले ए और बी के बीच में जो टर्म्स थे नोवेशन के बाद टर्म्स तो वही है बट ए और बी नहीं अब ए और सी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है तो नोवेशन में हो सकता है पार्टीज का चेंज हो

कि जो पिछले वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया बेसिकली कैंसिल इसको अनमेकिंग भी बोल सकते हैं कि जो करना था वो नहीं कर रहे यानी कि मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम मान लो यू you नो know, गुड्स ए गुड्स बेचेगा बी गुड्स खरीदेगा बट कॉन्ट्रैक्ट के डेट जो थी जिस डेट को वो काम करना था उस डेट से पहले ही दोनों ने इस चीज पे एग्री करा कि चल यार नहीं ये खरीद बेच वाला नहीं कर रहे हम काम तो वो अनमेकिंग हो गया कॉन्ट्रैक्ट का समझ रहे हो मतलब अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कैंसिलेशन भी बोल लो बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कि गुड्स का लेना देना जो करना था वो अब नहीं कर रहे हम ठीक है तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो होना था वो नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज डिस्चार्ज बाय रेसिशन ठीक है सेक्शन 62 में आता है ये ऑल right. इसके बाद एक और टर्म आता है ये सेक्शन 63 में है रेमिशन रेमिशन का मतलब जो काम करना था वो कर तो रहे हैं बट जितना करना था उतना नहीं कर रहे हैं जैसे कि मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए गुड्स बेचेगा बी को और बी उस, उसके बदले में आ, पाँच हज़ार रुपये देगा बट जो एक्चुअल में जब डेट आई और गुड्स दिए तो गुड्स उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया जो भी तो फिर बी ने पाँच हज़ार नहीं ए ने बोला चल गुड्स ले ले पाँच हज़ार मध्य दो हज़ार रुपये दे दे ले. तो बेसिकली जितना पूरा पाँच हज़ार देना था उतना तो नहीं दिया दो हज़ार दिया बट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया क्योंकि दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया सो दिस इज डिचार्ज बाय एग्री में सेक्शन सिक्सटी थ्री में रेमिशन समझ गए सो रेमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ Sum than what was for, or पूरा cancel, पूरे से थोड़ा कम में कॉन्ट्रैक्ट हो गया रेसिशन में कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है जो डिस काम करना था वो होता ही नहीं है कैंसिल रेमिशन में काम होता तो है बट कम होता है परफॉर्मेंस कम होती है समझ लो तो दोनों में ये भी फर्क पता होना चाहिए ठीक है इसके अलावा जो फिफ्थ जो सेक्शन सिक्सटी थ्री में आ रहा था, इस वेवर. वेवर में क्या होता है जैसे दो पार्टीज होती है जैसे मैंने पहले बताया राइज होती है ना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि एक का एक के पास कोई हक आएगा दूसरे के पास उसको करने की ऑब्लिगेशन आएगी यहाँ पे एग्जांपल लेके चल लो ए ने बी को बोला कि मैं तेरे लिए एक पेंटिंग बना के दूंगा ठीक है तो बी के पास किस चीज का राइट है पेंटिंग बनवाने का ए के पास किस चीज़ की ऑब्लिगेशन है पेंटिंग बनाने की समझ लो ए और ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पेंटिंग का तो ए के पास किस चीज़ की ऑब्लिगेशन है पेंटिंग बनाने की बी के पास किस चीज़ का राइट right है पेंटिंग बनवाने की राइट right, हक है ना बी के पास तो यहाँ पे कई बार क्या होता है जिसके पास राइट right है वो उस राइट right को अबैंडन कर देता है मतलब जिसके पास राइट right है उसने अपना राइट right अबैंडन कर दिया कैसे उसने अपना राइट right ही बेसिकली गिवअप कर दिया कि मेरे पास हक था वो पेंटिंग बनवाने का उसने लेकिन मान लो उसको मना कर दिया कि नहीं मेरी पेंटिंग मत बनाई हो सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है जिसके पास वो हक था उसने मना किया कि नहीं मेरे को अब वो नहीं करना तो उससे क्या हुआ जो ऑब्लिगेशन थी वो भी बेसिकली खत्म ही हो गई कि उसने अब जब बोली दिया कि मेरी पेंटिंग मत बना तो उसकी ऑब्लिगेशन खत्म होगी बनाने की वो बोलेगा अब उसने मेरे को मना किया तो मैं थोड़ी थोड़ी बनाऊंगा सो राइट जब अबैंडन करके सामने वाले की ऑब्लिगेशन को उससे रिहा कर देता है रिलीज कर देता है दैट इज़ वेवर वेवर यानी अबैंडन कर दिया यानी रिलीज़ कर दिया सामने वाले को उसकी ऑब्लीगेशन से सो so, यहाँ पर यही एक्जाम्पल दे दो आप कि ए ने बोला बी को पेंटिंग बना के देगा बी ने उसको बाद में बना कर दिया तो फिर उसका जो 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 ऑब्लीगेशन थी वो भी यू नो रिलीज़ हो गया वो अपनी ऑब्लीगेशन से सो नाओ एज़ नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म दी प्रोमिस दैट इज़ कॉल्ड वेवर ठीक है दिस इज सेक्शन सिक्सटी थ्री एक मैंने आपको बोला था एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी होता है कि जैसे मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम थर्टी फर्स्ट जुलाई तक ये थर्टी फर्स्ट गुड्स का लेना देना करेंगे बट मान लो गुड्स की प्रोडक्शन में देरी हुई तो ए ने बोला यार थर्टी फर्स्ट जुलाई तक नहीं होगा uh, मेरे को थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक का टाइम दे दे तो दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ टाइम ये भी यू नो म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही हुआ है सो so यहाँ पे भी हो सकता है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट बाई ऑब्लीगेशन जो है वो ये बेसिकली टाइमिंग एक्सटेंड करके हुई है कंप्लीट सो एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज आल्सो अलाउड दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर सेक्शन सिक्सटी थ्री कि Uh, अगर दोनों एग्री करते हैं तो टाइम एक्सटेंड करना इज ऑल्सो ठीक है इसके बाद ये तो हमने अभी देखो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कर लिया डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट कर लिया ठीक है थर्ड वाला समझो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम बहुत छोटा सा है ये डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम सीधा मतलब आपको पता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट है कि मैंने पहले भी बताया था लिमिटेशन एक्ट क्या होता है लिमिटेशन एक्ट का मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना एक बेसिकली टाइम दे रखे लॉ ने लिमिटेशन एक्ट के टाइम एक लिमिटिंग फैक्टर है कि ये नहीं है ना कि आप जिंदगी भर ही उस कॉन्ट्रैक्ट को बोल रहे हो कि हाँ वो चल रहा है और आप कभी भी आके सू करो कि हाँ मेरे को 20 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा नहीं किया था तो अब मेरे को उस पर केस लड़ना है ऐसे नहीं हो सकता सो so, हर इंडियन लिमिटेशन एक्ट ने बेसिकली डिसाइड कर रखा है यूजअल सिंपल कोई कॉन्ट्रैक्ट में थ्री ईयर्स का वो टाइम है ठीक है कि तीन साल तक आपके जो राइट्स वगैरह हैं अगर वो एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हो या ऑब्लीगेशन उसने पूरी नहीं किया आप कोर्ट में केस लड़ सकते हो उसके लिए ठीक है सो इंडियन लिमिटेशन एक्ट ने वो पीरियड डिस्क्राइब किया है जैसे नॉर्मल वाले केस में तीन साल के वो क्या है बेसिकली तीन साल पीरियड है कि इस पीरियड के इस पीरियड के विद इन विद इन तुम अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ठीक है एंड वो आपकी सुनेगा तीन साल तक जैसे टाइम डिसाइड किया ठीक है यहाँ पे बाय लैप्स ऑफ टाइम का डिस्चार्ज का मतलब है कि जब वो जितना टाइम प्रिस्क्राइब है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत जब वो टाइम भी बीत जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया कि मान लो उसने ऑब्लीगेशन पूरी नहीं की और लिमिटेशन एक्ट का टाइम जो था वो भी टप गया तो नाउ बाय लैप्स ऑफ टाइम डिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन डिस्चार्ज इसको तुम बोलते हो कि यू नो टाइम बार्ड हो गया डेट मान लो कोई पैसे लेने देने थे तीन साल टप गए किसी ने कुछ नहीं किया उसको लेके सो so आप बोलोगे टाइम डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार डेथ हो गया उनकी टाइम लिमिटेशन एक्ट अपने आप डिसाइड करके रखा है वो टाइम खत्म हो गया सो so उस टाइम के बाद अपने आप खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट भी सो दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई लैप्स ऑफ टाइम ठीक है इसके बाद एक आता है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ की कई बार जो पार्टीज हैं उन दोनों की मर्जी पे ना चल के लॉ के रूल्स लग जाते हैं या लॉ की यू नो लेजिशन्स अप्लाई हो जाते हैं वो किस केस में होता है एक तो हो गया डेथ कि जिस पार्टीज जिन पार्टीज़ के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होना था कि मान लो ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को पेंटिंग बना के दूंगा जैसे ए और बी का पेंटिंग वाला जो केस लिया उसमें जिस डेट को वो पेंटिंग बनानी थी उससे पहले ए की मान लो डेथ हो गई तो अब वो जब कर ही नहीं पाएगा पेंटिंग बना ही नहीं पाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा नहीं हो ही नहीं सकता सो दैट ऑटोमेटिकली बाय लॉ डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि अब वो पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली होना बिकॉज उसका डेथ हो गया सो so, डेथ के केस में एक इंसॉल्वेंसी के केस में एक मर्जर के केस में कि मान लो ए किसी के साथ मर्ज होगी उसकी कंपनियाँ जो भी तीनों के केस में ये होता है कि अब वो कर ही नहीं पाएगा ठीक है तो वहाँ पे लॉ जो है वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज दे देता है कोर्ट जो है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पास करता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ लॉ ने बोल दिया है ठीक है पार्टीज़ के बीच में कोई बात नहीं हुई वो लॉ ने बोल दिया कि हो गया ठीक है एक और भी इसमें आता है अनऑथोराइज मटीरियल ऑल्ट्रेशन की बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं अगर कोई पार्टी बिना दूसरे पार्टी के कंसेंट से बिना उसके एग्रीमेंट या म्यूचुअल यू नो उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ बिना उसको पता लगे कोई मटेरियल या इम्पॉर्टेंट टर्म को ऑल्टर ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो बिना सामने वाली के कंसेंट के नाउ दैट देन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बिकम्स वॉइड ठीक है वो वॉइड बन जाएगा uh, और जिसने वो करा है ना ऑल्ट्रेशन वो उसके बाद जो भी राइट्स हैं बेसिकली वो लूज़ कर देगा सामने वाला बेसिकली अपने राइट्स एन्फोर्स कर सकता है कोर्ट में जा सकता है कुछ भी कर सकता है एंड यहाँ पे एक चीज़ हम जब बोले मेटीरियल ऑल्ट्रेशन ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातों का कोई ऑल्ट्रेशन है तो है ना कोई छोटी मोटी चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती फिर वो नहीं माना जाएगा uh, मतलब फिर उस टाइम पे डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बट अगर मटेरियल ऑल्ट्रेशन कोई करिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज इट बिकम्स वॉइड कि आपने ऐसे कैसे यू नो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी इतनी इंपॉर्टेंट ठीक है तो दैट वॉज हमने बेसिकली चार बेसिस करे हैं याद रख लो दोबारा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस जिसमें हम एक्चुअल और अटेम्प्टेड या टेंडर परफॉर्मेंस किया विद डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट देन डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम देन डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ठीक है अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे टोटल सिक्स थे ठीक है फिफ्थ बेसिस जो हम कर रहे हैं दैट इज़ डिस्चार्ज बाय सबसीक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इ इसको डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं समझेंगे क्या है ठीक है ये पहले भी मैंने एक बार थोड़ा सा डिस्कस किया था ये टॉपिक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या इ क्या होता है देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशियली ही इम्पॉसिबल है कि मान लो कोई बोला कि मैजिक से इस बंदे को गायब कर दे इसका कॉन्ट्रैक्ट किया क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं क्यों क्योंकि इट इज़ वॉइड एब इनिशियो जैसे हमने बात किया ना वॉइड एब इनिशियो क्यों शुरू से ही इम्पॉसिबल है ना इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स सो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा ये कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है कि शुरू में ही पता है कि वो इम्पॉसिबल है एक होता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट तो जब बना तब तो वो पॉसिबल था लेकिन बाद में जाके कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके बाद वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था वो यूजुअली तो एट द टाइम वो एंटर हो रहे थे उसमें देन वो कैपेबल थे उस काम को करने के लिए बट नाउ ओइंग टू सम इवेंट कुछ ऐसा इवेंट हो गया बाद में आगे जो बियॉन्ड द कंट्रोल है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते एंड उसके बाद जाके वो इनकेपेबल हो गए कि अब जो परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगी उसकी उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाएगा क्योंकि अब अगेन इम्पॉसिबल हो गया ना वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कि बाद में जाके इम्पॉसिबल बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम रीजन ठीक है अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि बाद में जाके वो इम्पॉसिबल हो गया ये हम पढ़ेंगे एक एक करके देखो सबसे पहले केसिस कवर्ड अंडर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी ये पढ़ेंगे देन देर आर नॉट कवर्ड अंडर सुपरविनिंग कि जिसमें यूजली लगता है कि हाँ ये भी इम्पॉसिबल ही लगते हैं बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर इट ठीक दे आर नॉट मतलब उन में वो नहीं बनेंगे केसेज कवर्ड अंडर सुपरविनिंग क्या लिखोगे देखो सबसे पहला मेन बेसिक चीज डिस्ट्रक्शन ऑफ दब्जेक्ट मैटर मान लो यहाँ पे एक केस आता है टेलर वर्सेज कॉलवेल का कि एक बंदा था उसने एग्री किया था कि मैं बी को आ, ए ने बी को बेसिकली बोला कि अपना म्यूजिक हॉल वो यू नो उसको दे देगा कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए तो जब परफॉर्मेंस होनी थी उससे पहले वो म्यूजिक हॉल ही फायर से डिस्ट्रॉय हो गया अब क्या वो वही हुआ ना पहले तो पॉसिबल था बाद में कुछ ऐसा हुआ डिस्ट्रॉय बाय फायर जिससे वो इम्पॉसिबल हो गया कि अब वो कॉन्सर्ट हो ही नहीं पाएगा राइट बिकॉज अब वो दे ही नहीं पाएगा म्यूजिक हॉल क्योंकि इट इज डिस्ट्रॉयड बाई फायर सो यहाँ पे बी अगर सू करता है ए को कि अरे इसने मेरे को दिया नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है वॉइड बन चुका है बिकॉज ऑफ सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सो ए इज नॉट लाइबल नाउ ठीक है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कि जिस जिस मेन चीज को लेके वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनी थी जिसका बेस लेके वो वही डिस्ट्रॉय हो चुका है डिस्ट्रक्शन हो चुकी है उसकी ठीक है ये हो गया पहला केस सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का दूसरा होता है unanticipated change चेंज ऑफ ये क्या है देखो अब तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक शिप का ठीक है उसने कार्गो को सामान जो लोडिंग वगैरह नहीं होती तो वो करना था बट जि, जिस जिस डेट को वो करना था उस दिन से एक दिन पहले ही जो बॉयलर होता है जिसमें बेसिकली वो सामान होके वो प्रोडक्शन बनके जैसे निकलता है ना सो तो वो उसमें मान लो कोई एक्सप्लोजन हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा जो वॉइस था पूरा स्केड्यूलिंग वगैरह वो नहीं हो पाएगी उस टाइम पे प्रॉपर टाइम पे बिकॉज सर्कमस्टैसेज में चेंज आ गया राइट कि उस टाइम पे नॉर्मल चल था चल रहा था सब बट अब वो बॉयलर की वजह से आगे प्रॉब्लम आएगी उसको करने में सो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस गया इसलिए वो नहीं हो पाएगा सो दिस इज ऑल्सो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी ठीक है देन थर्ड वाला देखो क्या है फेलियर ऑफ द अल्टीमेट पर्पज कि बेसिकली जिस काम के लिए वो करना था फाइनल काम ही वही उसका कोई फेलियर हो गया जैसे यहाँ पे केस आता है क्रेल वर्सेस हेनरी का केस इसमें क्या होता है एक फ्लैट को बेसिकली हायर करते हैं किसी किंग के कॉर्डिशन कॉर्डनीशन प्रोसेस के लिए ठीक है बट वहाँ पे मतलब दोनों को पार्टीज़ को पता था कि वो किंग के उस काम के लिए होना है ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ कि किंग जो है वो बीमार हो गया तो क्या हुआ कि जो रेंट का पेमेंट था वो तो नहीं हो पाया तो वहाँ पे उसने उस पर केस कर दिया कि भाई इसने तो रेंट मेरे को नहीं दिया तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि भैया दोनों पार्टीज़ को पता था कि वो मेन जो काम था वो तो किंग को लेके ही था और किंग तो बीमार हो गया तो वो काम वैसे ही नहीं हो पाया था तो बेसिकली अल्टीमेट पर्पज़ ही जब फेलियर हो गया तो वो काम हो ही कैसे पाता सो so वहाँ पे वही हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे डिस्चार्ज हो गया नाउ यू कैन नॉट रिकवर योर रेंट क्योंकि वही है कि सबसिक्वेंट इम्पॉसिबल हो गया ना कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हो पाता चाह के भी बिकॉज तो वो इल हो गया

ठीक है इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ डेथ को नहीं इन को भी ध्यान में रखना इन कपैसिटी यानी कि मान लो वो केपेबल नहीं है जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल था पियानो बजाने का कि है किसी दिन पे पियानो बजाना था किसी आदमी ने उसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था बट वो जिस दिन वो बचाना था उसने वो बीमार पड़ गया तो अब वो इनकेपेबल ही हो गया तो वो नहीं कर पाता तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ठीक है कि उस केस में भी वो मान लिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम डिस्चार्ज हो गया बिकॉज वो इम्पॉसिबल है वो कर लेगा है ना इतना बीमार है वो नहीं कर पाएगा सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड सिर्फ डेथ ही नहीं इनकेपैसिटी भी ठीक है दिस इज द डिफरेंस कि उसमें सिर्फ डेथ को इंक्लूड होते थे यहाँ पे इनकेपैसिटी को भी इंक्लूड करते हैं ठीक है जो पिछले वाला डेथ का एक केस हमने किया ठीक है चेंज इन लॉ ये भी ठीक है एक केस बन जाता है कि कई बार मान लो जो आ, लॉ है वही चेंज हो चुका है कैसे हो सकता है ना गवर्नमेंट माइंड लॉस में अगर कोई चेंज कर रही है तो जिस टाइम वो एंटर हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम वो चीज़ अलाउड थी मान लो कोई सेल ऑफ़ गुड्स आउटसाइड इंडिया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है ठीक है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस डेट को उस टाइम पे वो चीज़ अलाउड थी बट कुछ महीनों बाद जब वो एक्चुअल सामान आना था उससे दो दिन पहले ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उस चीज़ पर इम्पोर्ट तो वो इम्पोर्ट नहीं हो पाएगी सो चेंज ऑफ लॉ की वजह से नाउ इट इज़ सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कि अब वो इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट का होना राइट इसके अलावा और वही क्या हुआ ठीक है आउटब्रेक ऑफ वॉर कि मान लो मान लो दो कंट्रीज़ के बीच में वो काम था बट वही चीज़ की जब वो काम होता दो दिन पहले वॉर आउटब्रेक हो गई तो अब वो काम का होना ही इम्पॉसिबल है सो so, वहाँ पे भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा राइट सो दिस वाज जो जो हमने केसेस छह हमने पढ़े दिस वाज केसेस जो कि कवर करते हैं हम कि हाँ इन केसेज़ में मान लिया जाता है कि वो इम्पॉसिबल है करना इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो एक आता है इसमें केसेज विच आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक सेकेंड और right, इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज केसेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सुपरबिनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो लगते हैं कि हाँ इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑब्लिगेशन पूरी करना वो थोड़ा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है राइट right? सो so, वो वाले ये केसेज यहाँ पे आते हैं एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन इसमें वो आता है कि आपने खुद ही कुछ ऐसा यू नो पार्टीज़ ने ख़ुद ही कुछ ऐसा कर लिया जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट uh, का वैसी सिचुएशन कोई आगे डिफिकल्ट वाली तो वो नहीं होगा बिकॉज ये ना किसी और की वजह से या आपने आपके कंट्रोल से बाहर कुछ ऐसा हो गया

कॉन्ट्रैक्ट को होने में तो दैट इज अगेन वो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना सो so वो भी कवर नहीं होगा ठीक है देन इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन किसी और की वजह से पार्टी जो दोनों पार्टीज हैं वो नहीं काम कर पा रही तो वो भी इसमें काउंट नहीं होगा है ना कि आप किसी पे और पे डिपेंडेंट थे जैसे ए ने बी को बोला कि गुड्स देगा ए बी को बट ए ने गुड्स कहीं से ख़रीदने और थे तो जहाँ से उसने खरीदने थे उसने नहीं दिया तो अब ये उसके उसकी, उसकी सिरदर्दी नहीं है ना कि बी की क्योंकि उसने तो बोला था कि ए देगा उसे गुड्स सो so किसी और की वजह से आप जिस पे डिपेंडेंट थे आप डिपेंडेंट हो गए थे किसी पे फिर जाके वो उसने काम नहीं किया तो आप आगे नहीं कर पा रहे वो वाला भी केसेस में नहीं काउंट होगा बिकॉज अगेन वो उनकी सिरदर्दी नहीं है जिन दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है राइट right? इसके अलावा आता है एक मिस हो गया क्या पीछे रुको या स्ट्राइक्स लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस कि कई बार कुछ ऐसे अनफोर्सिंग इवेंट्स आते हैं ना कि लेबर्स वाले जो है उन्होंने कोई स्ट्राइक कर दी लॉकआउट कर दी ये वाले बहुत कॉमन चीज़ होती है बट यहाँ पे भी अगेन वही है कि वो इम्पॉसिबल तो नहीं हुआ ना वहाँ पे भी इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल देन फ्रस्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स की जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट में थे वो एक से ज़्यादा हैं और कुछ उनमें से नॉट सारे मतलब uh, जिस काम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होना था वो बहुत सारे थे बट उनमें से कुछ जो है वो अब नहीं हो पाएंगे कुछ बाकी हो पाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया जो हो पाएंगे वो तो करना ही पड़ेंगे फिर है ना जो इम्पॉसिबल है बस वो वाले के लिए होता है बेसिकली लेवे दिया जाता है बाकियों के लिए नहीं दिया जाता है ठीक है तो केसेज नॉट कवर्ड में बेसिकली यही वाले कवर होंगे ठीक है एक होता है इफेक्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल बन रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद क्या होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है जो हमने केसेस करे हैं कई बार प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होता है कि जब एग्रीमेंट को बोल दिया जाता है ना कि वो वॉइड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट को बोल दिया जाता है वो वॉइड होता है तो जिसको भी जिस इंसान को वो बेनिफिट मिला होता है वो उसे रिस्टोर करना होता है यानी कॉम्पेसेट करना पड़ता है उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है उससे समझ आएगा ये देखो ध्यान से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी एट अ कॉन्सर्ट फॉर वन थाउजेंड रुपीज आर पेड इन एडवांस अब उसके बाद वो बीमार हो जाता है गाने के लिए सो नाउ ए इज़ नॉट बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स विच बी वुड हैव मेड इफ ए हैड बीन एबल टू सिंग बट मस्ट रिफंड टू बी द वन थाउजेंड रुपीज़ पेड इन एडवांस की ठीक है अब उसके लिए तो वो नहीं कर सकता ना कि हाँ वो बीमार हो गया सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई बट जो एक हज़ार उसने फिर एडवांस में ले रखे थे वो उसे रिस्टोर करने पड़े दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना मैंने पहले भी जो टर्मिनोलॉजीज बताई थी उसमें यह था रेमिशन रेसिशन के साथ रेस्टिट्यूशन भी था तो रेस्टिट्यूशन इज़ दिस ओनली कि आपने मान लो एडवांस में कोई पैसा लिया तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा ठीक सीधी सी बात है तो इसके बाद आता है आ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टी इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ डिस्चार्ज कि कई बार कुछ पार्टी एक पार्टी फेल टू परफॉर्म दी ऑब्लिगेशन कि उस पर कोई ऑब्लिगेशन थी जैसे मैंने बोला राइट और ऑब्लिगेशन होती है दोनों पार्टीज पे तो जिसके पास ऑब्लिगेशन थी और जिसके पास राइट था ऑब्लिगेशन वाले को वो चीज़ करनी थी बट वो नहीं कर पाया या नहीं करा उसने तो उस केस में क्या होता है हम बोलते हैं कि यार ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना कि जो चीज़ उसे करनी थी वो उसने नहीं की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सो uh, so यहाँ पे क्या होगा दो चीज़ें आती एक होती है एक्चुअल ब्रीच एक होता है एंटीसीपेटरी ब्रीच एक्चुअल ब्रीच कब होती है कि या तो जब वो परफॉर्मेंस ड्यू हुई उसके उस टाइम पे या फिर जब वो परफॉर्म हो ही रहा था कॉन्ट्रैक्ट उसके ड्यूरेशन में दोनों के टाइम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ड्यू जब है उस टाइम पे का मतलब कि जैसे एग्जाम्पल देखो ए अग्रीज टू डिलीवर टेन बैग्स ऑफ राइस ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर बट फेल्स टू डू सो ऑन दैट डेट ई सेडो ऑफ कम्यूटर बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिमिलरली इफ ए डिलीवर्स टेन बैग्स ऑफ राइस ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर बट नॉट बट बी फॉर नो नॉट वैलड रीजन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देन बी बिकम्स गिल्टी ऑफ ब्रीच मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से हो सकता है वो चीज़ कि जब वो एक्चुअली ड्यू है फर्स्ट सेप्टेम्बर को तब या तो ए ने नहीं दिए टेन के जी सर या बी ने ए ने दिए बी ने एक्सेप्ट नहीं किए दोनों तरफ से क्या होगा दोनों टाइम पे कि एट द टाइम इट वॉज ड्यू वो नहीं हो पाया पूरा कॉन्ट्रैक्ट सो दिस इज़ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई एक्चुअल ब्रीच एक्चुअल ब्रीच में एट द टाइम वाला एक ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कैसे कि मान लो इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स देने थे है ना चार इंस्टॉलमेंट्स में कि दो इंस्टॉलमेंट्स दे दी उसके बाद नहीं दे पाया वो सो so, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस की कि अभी वो चल ही रही थी ना उसकी परफॉर्मेंस लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए थी उसकी परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी बट उसने दो इंस्टॉलमेंट्स दी दो के बाद नहीं दी सो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम वो परफॉर्म नहीं कर पाया सो ठीक है तो एट द टाइम जब एक ही पर्टिकुलर डेट है उस टाइम वो नहीं कर पाया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस यानी जैसे इंस्टॉलमेंट्स में है और दो इंस्टॉलमेंट्स दी आउट ऑफ सिक्स बाद की नहीं दे पाया सो दैट इज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ये हो गया एक्चुअल ब्रीच एक होता है इसके अलावा एंटीसिपेटरी ब्रीच एंटीसिपेटरी ब्रीच ब्रीच का मतलब इफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट्स और रिनाउंस हिज ऑब्लिगेशन बिफोर द टाइम फिक्स परफॉर्मेंस ब्रीच हिम टू बी एंटीसिपेटरी यानी कि जब वो ड्यू था या जब वो एक्चुअल काम करना था या उसके ड्यूरेशन में तब नहीं बट बिफोर द टाइम विच वॉज फिक्सड कि जब उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी थी उससे पहले ही उसने बोल दिया कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बट एंटीसिपेटरी ब्रीच है यानी कि या तो उसने रिफ्यूज ही कर दिया कि मैं करूँगा ही नहीं या वो डिसेबल अपने आप को कर चुकी कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा वी भी, भी हो सकता है तो दोनों केस में क्या है वो अपना सिग्निफाई तो कर रहे हैं ना कि यार नहीं हो पाएगा मेरी तरफ से उसने पहले ही बता दिया सो एट द टाइम नहीं हुआ ड्यूरिंग द नहीं हुआ तो एक्चुअल तो नहीं है दिस इज़ एंटीसिपेटरी यानी बिफोर द टाइम वो परफॉर्मेंस करनी थी उससे पहले ही उसने बता दिया रिनाउंस कर दिया रिप्यूडिएट कर दिया कोई भी वर्ड यूज़ कर लो ठीक है इसमें अब ये दोनों तरफ दोनों टाइप की हो सकती है ना एक्सप्रेस भी इम्प्लाइड भी एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि बाय वर्ड्स है ना स्पोकन या रिटन कोई भी बट वर्ड्स के थ्रू बता दिया बिफोर द ड्यू डेट कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा जैसे 25 अक्टूबर को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं 10,000 बैग्स ऑफ राइस और 50 के दूंगा इस रेट पे मतलब जो भी 25 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं 30 दिसंबर को वो काम करूंगा बट उसने उस टाइम के पहले ही थर्टी दिसंबर से पहले ही फर्स्ट नवम्बर को ही इन्फॉर्म कर दिया बी को कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा सप्लाई राइस तो दिस इज एक्सप्रेस एंटिसिपेटरी ब्रिक्च ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एक होता है एम्प्लाइड कि जब किसी पार्टी के कंडक्ट से पता लग जाता है कि यार ये तो नहीं कर पाएगा कैसे जैसे ए एग्रीज टू मैरी बी बिफोर द डेट ऑफ मैरिज ए मैरिज सी तो अब जब ये पता लग गया यार उसने किसी और से शादी कर ली तो ऑब्बियसली अब मेरे से थोड़ी करेगा वो सो इम्प्लाइड फॉर्म हो गया ना वो कि किसी ने वर्ड्स के थ्रू बोला या लिखा नहीं बट वो ऑब्वियसली हो गया है ना कि इम्प्लाइड फॉर्म में पता ही लग गया कि हाँ अब वो नहीं कर पाएगा परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट सो दिस इज़ इम्प्लाइड फॉर्म ठीक है ये एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया दोनों अब देखो एक्चुअल ब्रीच का तो हमने देख लिया क्या होता है

और सीधा उस पर केस कर दो है ना कि भैया कॉन्ट्रैक्ट अपना हुआ ख़त्म तेरे पे मैं कर रहा हूँ केस कि जो भी डैमेजेस हैं वो तू क्लेम करेगा और मेरे को वो मिलेगा डैमेजेस का क्लेम ठीक है यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो इनोसेंट पार्टी है जिसकी जिसके साथ वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मतलब जिसने ब्रीच किया है वो इनोसेंट नहीं है है ना सामने वाली पार्टी इनोसेंट पार्टी ही शुड कम्युनिकेट क्लियरली कि भाई मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा हूँ टर्मिनेट ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं तेरे कर रहा हूँ तेरे पे केस ठीक है दिस इज़ पहला ऑप्शन जो उसके पास है एक और ऑप्शन होता है कि इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच को ट्रीट करो उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट करो एज अ सब्सिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस कि जैसे अभी कुछ नहीं कर रही जब एक्चुअल डेट आएगी तब हम देखेंगे कि क्या होता है राइट right? तो यहाँ पे अगर सामने वाला बंदा उसके बावजूद भी यू नो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसका परफॉर्मेंस अगर नहीं करता है तो फिर आप वहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो सिंपल जैसे नॉर्मली करना ही था सो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जब तक वो परफॉर्मेंस वाली डेट नहीं आती तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ज़िंदा रखते हो कि हाँ चलो देखते हैं क्या करता है उस दिन परफॉर्मेंस वाली डेट पर है ना तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं कुछ भी कर सकता है ठीक है तो दिस वॉज बेसिकली तुम्हारा ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये सिक्सथ वाला जो केस था हमने टोटल सिक्स केसेस किए हैं कि कौन से कौन से उसमें uh, आपका माना जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिक्स के सिक्स केसेस हम कवर कर चुके हैं इसके नेक्स्ट हम इससे क्वेश्चन जो है रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे ठीक है एंड मैंने आई एम ट्राइंग कि मैं वन शॉट में ही सारी सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर दूं सो या लेट्स सी कि कैसे चलता है सो so, या yeah, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विच विच आल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ़ दिस चैप्टर ऑलराइट Bye-bye.